इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। ग्रेटर नोएडा में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात घटी है, जहां दो सगे भाइयों ने अपनी ही बहन की गला घोटकर हत्या कर दी और उसके बाद लाश को हिंडन नदी में फेंक दिया। वारदात इकोटेक 3 थाना क्षेत्र की है, जहां हिंडन नदी में अज्ञात महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को निकालकर जब पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि महिला की गला दबाकर हत्या की गई है। इस बीच मृतक महिला के गायब होने की शिकायत उसके दो भाइयों ने पुलिस थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन जब हत्या का सच सामने आया तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि जिन दो भाइयों ने बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई थी उन दोनों ने ही अपनी बहन की हत्या कर शव नदी में फेंका था। फिलहाल पुलिस ने हत्या के मामले में मृतक महिला के दोनों भाई सरताज और शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 14 मार्च को सूरजपुर थाने पर सरताज ने अपनी बहन के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने ये भी शक जताया था कि जो शव हिंडन नदी में मिला है वो उसकी बहन का हो सकता है। उसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर सरताज से कड़ाई से पूछताछ की तो वो पुलिस के सामने टूट गया और उसने पूरी कहानी बता दी। चलिए आपको बताते हैं कि क्या इस मर्डर की पूरी कहानी है। मृतका की शादी साल 2012 में हुई थी, लेकिन उसका उसके पति से विवाद चल रहा था और वो अपने पति से अलग रह रही थी। भाइयों का कहना था कि इस बीच उनकी बहन गलत संगत में पड़ गई थी, जिससे वो लोग अपमानित महसूस कर रहे थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी बहन की हत्या कर दी। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।